shit all together. डायरेक्टर करण ललित बटानी की मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म फेमस 1 जून को रिलीज होने जा रही है। फिल्म की टीम हाल ही में फिल्म के बारे में बोलती नजर आई। चलिए उनकी नजर से फिल्म के बारे में जानते हैं। और बढ़ जाती हैं उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं कि भैया आपको तो पता है कि अच्छी फिल्म है, लेकिन ट्रेलर अगर इतना लोगों को पसंद आया, हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है फिल्म भी देखने के लिए घुसें, पसंद आएगी ये तो गारंटी है। पर चाहिए देखने के लिए ऐसी पिक्चरें, जब कुछ अच्छा आ रहा होता है, कुछ नया आ रहा होता है, जाइए देखिए, ट्रेलर से 100 गुना ज़्यादा मज़ा आएगा फिल्म देखने। देखो भारत के 80% हिस्सों में और खासकर हिंदी भाषी इलाकों में फेमस बोलते हैं, मैं भी फेमस ही बोलता हूँ। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए उनको मालूम है कि फ के नीचे एक नुक्ता होता है या जो भी होता है, तो वही संदर्भ है कि जहाँ की कहानी है वहाँ के लोग फेमस बोलते हैं, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। हालांकि एक खालमेल हुआ है, हिंदी का फ है बाकी अंग्रेजी के शब्द हैं, तो समझ में नहीं आता हिंदी पिक्चर है अंग्रेजी पिक्चर है। इस सादी सी टीचर हूँ मैं, रोजी टीचर, जो गांव में पढ़ाने के लिए आई है, और वो सोचती है कि जो बच्चे हैं हम उनको वो काफ़ी उनका भविष्य चेंज कर सकती है बेहतरी के लिए, तो उस तरह की टीचर है। लेकिन ऐसा कुछ हादसा होता है कि काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, तो पूरी फिर स्टोरी फिल्म की चेंज हो जाती है। अच्छे मैं सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं, वो सीन एक्चुअली सर को याद होगा, वो साथ में सोचा था, वो सीन था कहीं पर स्क्रिप्ट में, मगर उसमें जो छोटी छोटी न्यूएंसेस है, जो उनका एक्सप्रेशन है, जो एक थॉट है, वो सब उसमें सर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट था, तो वो एक कोलैबोरेटिव था विद ऑल ऑफ देम। क्यों रो रहे हो भैया तो के सर के साथ में भी, एवरीवन सबके साथ में जो है वो कैरेक्टर को साथ में बिल्ड किया गया, किसी के साथ किसी का भी ऐसे नहीं था कि भैया ये कैरेक्टर है, बस उन्होंने आके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्म किया और निकल गए, ऐसा कहीं नहीं था। सबने वो कैरेक्टर को समझा है, उस पर डिस्कशन की है मेरे साथ, हेल्दी डिबेट्स हुए हमारे, तब जाके वो कैरेक्टर बना जो बना। इस फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज, बिना चाहे हुए भी एक इतना खूबसूरत मैसेज है गन्स के अगेंस्ट और वायलेंस के अगेंस्ट और सारा कुछ, जो आप घर लेके एंड में जाएंगे फिल्म से। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एंड में आप ये सोचेंगे कि शायद ये फिल्म बनाई इसलिए गई थी कि गन लॉ के अगेंस्ट बात करने के लिए कि भाई ये चीज़ सही नहीं। शादी हुई है आप सबको मालूम होगा, तो वो शादी तो वो शायद अपने हनीमून पे है इस वक्त, जिस प्यार को वो ढूंढ रही थी उनको मिल गया, हम लोग का भी ढूंढ रहे हैं। शौक क्यों है? घर परिवार वालों को पता है, कैटरर को मालूम होगा जो उस दिन खाना बना रहा है, शौक कैसे हो सकता है, बहुत लोग जानते हैं। उस पंडित ने शादी कराई, सूचना ये अखबारों में व्यवस्थाएं। 1 जून को बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज होने जा रही है और उसका नाम है बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।